हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यानी हमें ये पढ़ना है हमारी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम किस तरीके से सर्कुलेट होती है विद इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। बट स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर टू सेक्टर का मतलब क्या है। टू सेक्टर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि देयर इज ओनली टू सेक्टर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, और वो दो सेक्टर कौन कौन से होंगे। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज फर्म सेक्टर। यानी कि इन दो सेक्टर के अंदर हमें नेशनल इनकम का सर्कुलेशन पढ़ना है। फिर इसका मीनिंग ये है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है किसी भी तरीके का। एंड नेक्स्ट है नो रोल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी यहाँ पर पे कोई रोल नहीं है। सारी इनकम का सर्कुलेशन केवल किससे किसके बीच में पढ़ोगे आप लोग, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर के बीच में। अब डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमें दो फ्लो में कंप्लीट करना होगा। वन इज रियल फ्लो, रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो। सर्कुलेशन को दो फ्लो में कंप्लीट करना है, वन इज रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो। अब सबसे फर्स्ट पार्ट हम यहां पर पे लेने वाले हैं रियल फ्लो, कि किस तरीके से नेशनल इनकम का रियल फ्लो होता है बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने लिया है हाउस होल्ड सेक्टर और यहां पर पे ले रहे हैं हम लोग फर्म सेक्टर। किस तरीके से इन दोनों के बीच में रियल फ्लो होगा, आप ये देखिएगा कि जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड होती है। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्हें फैक्टर सर्विसेज भी कहा जाता है, ये किसके पास अवेलेबल होती है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, जबकि प्रोडक्शन करने का काम किसका होता है, फर्म सेक्टर का। तो यहाँ से क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म सेक्टर को, और फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये फोर फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जिन्हें फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। अब फर्म सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज में लेगी एंड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। जो फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी वो किसे प्रोवाइड किए जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी कि फर्म सेक्टर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर, इसे कहेंगे रियल फ्लो। अब स्टूडेंट्स, इस रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के फॉर्म में भी जाना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर पे हमने या इन दोनों सेक्टर के बीच में किसी भी तरीके का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। यहाँ से फिजिकल फॉर्म में रिसोर्सेज किसके पास गए, फर्म सेक्टर के पास, एज ए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसने इनको यूज में लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिए एंड दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। यानी यहाँ पर सब कुछ फिजिकल फॉर्म में हुआ है, सो रियल फ्लो इज ऑल्सो नॉन एज अ फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे लिए नेशनल इनकम का रियल फ्लो। अब हम बात करते हैं आगे मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो की। अब यहाँ पर इन दोनों सेक्टर के बीच में मनी का सर्कुलेशन होगा, किस किस के बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से यहाँ पर मनी का फ्लो होता है, आप अच्छे से समझिएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने रियल फ्लो के अंदर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी टू द फर्म सेक्टर, लेकिन फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फर्म सेक्टर से जो फैक्टर सर्विसेज दिए उसके बदले में फैक्टर पेमेंट रिसीव करेगा। यानी कि फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, तो फर्म सेक्टर करेगा फैक्टर पेमेंट
और फैक्टर पेमेंट किसको किया जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में किया जाएगा, जो चार हमारे पास प्रोडक्शन के फैक्टर जो दिए थे इसने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो क्या पे करेगा ये, रेंट पेड टू द लैंड, लेबर फॉर वेजेज फॉर द लेबर, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर पेमेंट करा फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को, किस फॉर्म में, रेंट फॉर द लैंड, वेजेस फॉर द लेबर, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर। यानी कि इसको इनकम रिसीव हुई है और स्टूडेंट्स ये इनकम वापस कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर हो जाएगी, जो पैसा वापस किसके पास चला जाएगा, फर्म सेक्टर के पास, क्योंकि यहाँ से फर्म सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी थी इन द रियल फ्लो, तो इसके बदले में पेमेंट भी करना होगा, जिसे कहेंगे हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहां से फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में पैसा इसके पास आया, लेकिन वो पैसा वापस कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर होकर किसके पास चला गया, फर्म सेक्टर के पास, तो इसे कहेंगे मनी फ्लो। एंड स्टूडेंट्स मनी फ्लो ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, यानी मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यह है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बट अगर आपसे एग्जाम में इसकी यहाँ पर कुछ अजप्शंस पूछ ली जाए, तो हम अजप्शंस में क्या करेंगे, फर्स्ट अजप्शंस हम यहाँ पर पे नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं टू सेक्टर में। तो फर्स्ट अजप्शंस ये है कि देर इज़ ओनली टू सेक्टर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, और उस इकोनॉमी में जो दो सेक्टर हैं वो कौन कौन से होंगे, तो आप एग्जाम में बता सकते हो, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज फर्म सेक्टर। फिर सेकेंड अपन ने कहा कि इन दो सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, तो सेकेंड अजप्शन आप बना सकते हो, देर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी कोई रोल नहीं होगा। तो थर्ड अजप्शन आप यहाँ पर भी बना सकते हो, देर इज नो रोल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम विद अ टू सेक्टर इकोनॉमी। थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।